अशोक विहार के बंद पड़े एक एमसीडी स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर 16 साल की एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्कूल यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और इसी वजह से ये स्कूल बंद है। रेनोवेशन के लिए कुछ मजदूर बुलाए गए थे जो अंदर ही रह रहे थे और यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से रेनोवेशन का काम बंद हो गया। अब जो मजदूर यहाँ पर थे वो काम अगर कहीं और मिलता था तो चले जाते थे, लेकिन इस दौरान वो कॉन्ट्रैक्टर उनको यहीं पर रहने दिया था। आरोप है कि मंगलवार के दिन जब एक शख्स और अपनी पत्नी के साथ वो कहीं और काम पर मजदूरी पर चला जाता है, पीछे से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में उसकी दो बेटियां, एक 18 साल की और एक 16 साल की, यहाँ पर कमरे में अकेली थी, उसी दौरान एक लड़का ये दीवार कहीं से फांद करके वो अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद किचन के अंदर से उसने चाकू उठाया, पहले तो लूटपाट की जो भी मोबाइल वगैरह था, और उसके बाद उसने जो छोटी बहन है उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। उस वक्त बताया जा रहा है कि दिन के करीब 11:30 बज रहे थे। जगह जहां पर ये स्कूल है उस जगह पर आसपास चारों तरफ बाजार है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके से कैसे एक युवक दाखिल हो गया स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर और उसने एक लड़की के साथ रेप किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। आसपास के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी पड़ताल की जा रही है ताकि आरोपी के बारे में पता लगाया जा सके।